हमारे मोदी सरकार ने ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक गरीब की बेटी के साथ में गलत हुआ है, तो प्लीज इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसका रोना हम आपको बार बार सुना रहे हैं वो उकलाना की पीड़िता है, जिसने सरकारी अस्पताल की नर्स पर आरोप लगाए हैं कि वो एचआईवी पीड़िता थी। इस बात की जानकारी को उजागर कर दिया गया, पूरा समाज उसे घृणा की नजरों से देखता है। साथ ही कमीशनखोरी का भी एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आया कि खुद सरकारी अस्पताल की नर्स ये कहती है कि यहां डिलीवरी के लिए तमाम सुविधाएं नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल में चलिए, बाकायदा नाम बताया जाता है, नर्स उसके साथ जाती है और बड़ा बिल उसे थमाया जाता है। हालांकि बिल नहीं थमाया जाता लेकिन बड़ी उससे मांगी जाती है। तो किस तरह की कमीशन खोरी हो रही है, पुलिस की जो पूरी भूमिका है वो भी संदिग्ध है इस पूरे मामले में। खुद मीडिया को पुलिस धमकाती है कि आप इस पूरी खबर को कवर मत कीजिए, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, अभी पीड़िता भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी है, आपसे जानना चाहेंगे। अभी डीएसपी साहब हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े थे, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, अभी फिलहाल आप क्या कुछ चाहते हैं? हेलो जी, आवाज मिल पा रही आपको? जी, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जानकारी दी गई है बल्कि कि कमेटी एक गठित कर दी गई है, वो जांच करेगी। डीएसपी साहब का कहना रहा कि अब इंसाफ आपको दिलवाया जाएगा, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि जी मेरे को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए और आगे उसको जो नव नर्स है उसको और नवजीवन की हॉस्पिटल की जो सीमा नैन है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ताकि आगे जो कोई भी हो उसके साथ में गलत काम ना हो। आपको कारण क्या लगते हैं कि आपके बयान तक दर्ज नहीं किए गए, आपकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई इस मामले में अभी तक? क्योंकि जब मैं मेरे को डिलीवरी 3:15 पे हुई थी तो बाद में जो सीमा नैन डॉक्टर थी ना उसने मेरा बयान ले लिया था कि ये बोल रहे हैं जी। चलिए आपके पास मैं आऊंगी, अभी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही। ढोल साहब आपके पास मैं आऊंगी। डिलीवरी तक की सुविधा नहीं है आपके सरकारी अस्पतालों में, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, फोर्टिस अस्पताल को लेकर चर्चा की और तभी ये बिंदु निकलकर सामने आया कि सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है कि वहां उपचार करवाया जाए। एक और बान की देखिए ज्योति, अगर आप इसको ये कहेंगे कि सुविधा नहीं है, ये यहाँ कहना गलत होगा। सीएचसी और पीएचसी दोनों जो सेंटर हैं जो छोटे रिमोट एरिया में होता है वहां पर हमारी सरकार ने आते ही छोटी और बड़ी माइनर सर्जरी से लेकर के और जो प्राथमिक चिकित्सा जो होनी चाहिए परी वो सारी सुविधाएं दी हैं और छोटी ऑपरेशन थिएटर भी हर पीएचसी सीएचसी के अंदर है। ये हमने और नहीं कहा जनाब, हमने नहीं कहा आपके सरकारी अस्पताल की सरकारी नर्स ये कहती है कि यहाँ सामान्य डिलीवरी के लिए सुविधाएं नहीं है। बताइए मैंने यही कहा कि यहाँ व्यक्ति विशेष का मामला है, उस नर्स ने जिस लालच में और जिस वासना में आकर के इस प्रकार का काम किया है मैं उसकी आलोचना करता हूँ, और चूंकि वो सरकारी कर्मचारी है उसको सरकार के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए थी, उसने अपने कर्तव्य के साथ पालन नहीं किया, उसके विरुद्ध उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। नहीं, ये कोई पहला जो मीडिया की पहला मामला नहीं, पहला मामला नहीं, पहला मीडिया मीडिया में आ गया तो चर्चा हो रही है, मीडिया में आ गया तो संज्ञान ले लिया गया। जो कुंडू को जिस राजकुमार जी ने धमकाया है या हमारे जो संवाददाता कुंडू जी को जिस राजकुमार ने अभद्रता की है उनके विरुद्ध भी 100% उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, और नवजीवन अस्पताल उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ये मेरी तरफ से आपको सरकार का आश्वासन। आपको क्या कुछ लगता है, चूंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं तो कमीशनखोरी का मौका भी मिलता है, जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी गुंडागर्दी भी सामने आ रही है? ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा चुकी हैं, वहां पर ना डॉक्टर मिलते हैं ना एम्बुलेंस मिलते हैं ना नर्सेज हैं, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। धूल साहब जो मर्जी बोलते रहें लेकिन हालात ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये कमीशनखोरी का धंधा जरूर चल रहा है, यदि सच्चे दिल से इंक्वायरी कराएं तो बड़ा कुछ मिलेगा। बात इस केस में जो खुल करके सामने बात आई है, इस केस के अंदर जो यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले FIR दर्ज कराते हैं तो दर्ज हो जाती है, लेकिन एक पीड़िता जो रो रो करके अपना बुरा हाल कर रही है
और जो जो जिसके ऊपर इतनी यानी कि उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, एक हफ्ते से उसकी कोई भी एफआईआर लॉज नहीं हुई है। मैं इस सारे मामले में ये कहना चाहूँगा, चाहे पुलिस है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, सभी के सब लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। और कोई भी यानी कि अभी बात कही डीएसपी साहब कह रहे थे कि हमने पीड़िता के हमने बयान तक नहीं लिए हैं, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि उनको कोई न्याय दिलाने की दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं? हाँ, इंसाफ तो मिलेगा ये कहीं ना कहीं ये क्यों है, इसका कारण है, कारण क्या है? क्योंकि पुलिस को भी यदि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन खोरी कहीं कहीं झलक नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता है एक हॉस्पिटल की तरफ से एफआईआर लॉज हो सकती है, हो सकती है, लेकिन पीड़िता की तरफ से नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है पीड़िता की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिली भगत के संकेत कहीं जा सकते हैं, मिली भगत के संकेत कहीं जा सकते हैं। देखिए शेरवाल जी, अभी देखिए ज्योति जी, पुलिस जो है पुलिस आरोपी पक्ष को बचाने का काम क्यों कर रही है? ढुल साहब, ये भी तो स्पष्ट किया जाए ना, फिर ये भी स्पष्ट किया जाए कि पुलिस बचाने का काम क्यों कर रही है? ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूं। ज्योति जी, आज ये केस सामने आ गया तो टीवी पे डिबेट हो गई, बिल्कुल। आज फोर्टिस हॉस्पिटल का केस सामने आ गया तो आपके माध्यम से कब तक मीडिया के चश्मे से सरकार देखती रहेगी? कब तक मंत्री जी और मंत्रालय जागते रहेंगे? मीडिया की सुनो हो गया, इंक्वायरी शुरू हो गई, बिल्कुल। बाकी जो पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है उसकी तरफ कहां नजर जाएगी सरकार की? क्या उनकी तरफ भी कुछ इस तरह से बिल्कुल ये सवाल का जवाब लेंगे? शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगी। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई, उसे बंधक बनाया गया, अगर आरोप जो है सत्य साबित होते हैं जांच के दौरान क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, कानूनी रूप से सबसे पहले तो जो मुख्य पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि शुरू वो जो पीड़िता है वो दुर्भाग्यवश एड्स से पीड़ित है और डॉक्टर ने उसका नाम उजागर किया है। ये बहुत बड़ी एक गलती है कि कोई किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका नाम उजागर नहीं करना चाहिए, और किसी को बंधक बना के ऐसे रखना ये बहुत बड़ा क्राइम है। और यदि वो प्रूव हो जाता है तो डॉक्टर को लाइसेंस और ये तो सब होगा ही, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा जी। एक मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, पिछले वीक में असंत पड़ता है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, सब डिवीजन है, वहां किसी को मिलने गया सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, मैंने पूछा भी डॉक्टर कितने बजे तक बैठता है, तो कहने लगे जी 2 बजे तक बैठता है। अब ये महिला कह रही है कि भी 3 बजे मैं वहां गई, तो यहां थोड़ा सा लगता है कि 3 बजे डॉक्टर नहीं होते हॉस्पिटल में। ये मैं सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं कि आप जैसे दिन में कम से कम 2 डॉक्टर की सुविधा रखें, एक 9 से 2 बजे बैठे, एक 3 से शाम के 8-9 बजे तक बैठे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और मेन बात आप हम कह रहे थे वो दूसरा पहलू है, उससे पहले की बात ये है कि डॉक्टर्स की कमी से हरियाणा छूट रहा है, डॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी है सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हम जाए, चाहे वो सब डिवीजन में तो है ही है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हॉस्पिटल है वहां बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सुबह जाओ तो शाम को नंबर आता है। तो सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि डॉक्टरों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो सब डिवीजन लेवल पे जो हॉस्पिटल बने हैं उनमें ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है, वो जरूरत है। धीर साहब, क्या कुछ लगता है कि मामले में किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण भी संभव है? देखिए, जितना मामला सामने आया है उससे तो यही लगता है कि अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इतने बड़े सुनियोजित तरीके से ये चीज चल रही है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का संरक्षण तो है। नहीं तो देखिए, पूरी एक लाइन लगी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग लेवल्स की, ठीक है ना, एक नर्स से लेकर एक डीएसपी तक, एसएचओ और ये बीच में जो भी आ रहे हैं सारे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जरूर। लेकिन अब इसका ये अगर जांच निष्पक्ष होगी तो जरूर सामने आएगा। हाँ, एक बात जरूर है जो ढुल साहब ने अभी ऑन एयर दिया है, अपना जो इन्होंने आश्वासन दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन हमें उम्मीद कम ही है कि इतनी निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है ढुल साहब, क्या कुछ लगता है, पूरी कड़ियां जितनी भी जुड़ रही हैं उसमें सरकारी अस्पताल का भी मामला है, प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े हैं, पुलिस भी इसमें पूरे मामले में संलिप्त है, क्या कुछ लगता है खबर के पीछे की भी कुछ खबर हो सकती है, क्या सच्चाई कोई और हो सकती है? देखिए ज्योति, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार अपनी संवेदनाएं और क्षमा याचना उस बहन से करता हूँ जिसको हमारी सरकार में इस प्रकार का प्रताड़ना मिली, और मैं ऑन एयर फिर आश्वासन देता हूं कि 3 लोगों की सीएमओ इसार, सीएमओ मेडिकल ऑफिसर बरवाला
और उकलाना के एक सीनियर डॉक्टर, इन तीन लोगों की कमेटी बना दी गई है जो इस चीज की जांच करेंगे। जनाब क्या उम्मीद की जाएगी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? आपकी पुलिस तो सीधे तौर पर फेल हुई है, क्या ये कमेटी पास हो पाएगी पड़ताल करने में, सच्चाई को सामने लाने में? देखिए ज्योति जी, मेरा पुनः अनुरोध है कि इस घटना को बिल्कुल ये ना माना जाए कि इस एक घटना के कारण सरकार फेलियर हुई है। हाँ, सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठेगा और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम उसको मानते भी हैं, सहर स्वीकार करते। लेकिन आपने भी देखा कि कल की डिबेट जो थी वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जब मंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि इस बहन के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। लिया गया एक्शन कब लिया गया ये भी तो बात है ना शेरवाल जी, सरकार से हम सवाल इसलिए करते हैं कि पुलिस जो है वो सरकार के अंडर कहीं ना कहीं काम करती है, राज्य पुलिस क्या कर रही है, सरकारी अस्पतालों में कमीशनखोरी क्यों चल रही है, फिर सरकार से क्यों ना पूछा जाए, सरकार को फेल क्यों ना कहा जाए कम से कम एक मामले में। शेरवाल जी देखिए, ज्योति जी पीड़िता के लिए तो आश्वासन दे दिया है कि हम 3 मेंबरी कमेटी गठित कर दी है, लेकिन एक मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है जी, उसके लिए भी मैंने शेरवाल जी कहा था कि राजकुमार चौकी इंचार्ज जिसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसने उनको धमकाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा रहा है, ये क्यों दबाया जा रहा है, किसकी सह के ऊपर दबाया जा रहा है, ऐसी स्थिति पैदा ही कैसे हो सकती है? देखिए एक बहुत चौथे स्तंभ को, यानी कि किस प्रकार से एक ऐसा स्तंभ बचा है जो खुल करके यानी के लोगों के बीच में एक तथ्य को सामने ला सकते हैं और उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसके किसके सह के ऊपर है? कहीं ना कहीं मिलीभगत है, कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत जरूर पाएगी। मैं कहता हूँ ये सरकार कहीं ना कहीं ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, इससे भाग नहीं सकती सरकार, अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए जिस प्रकार से आश्वासन दिया है, और मीडिया को जिस प्रकार से धमकाया जाता है उसके बारे में भी आश्वासन देना चाहिए ढुल साहब आपको यहाँ पर बैठ करके, कि इस प्रकार से आइंदा से कोई भी इन फ्यूचर इस प्रकार आश्वासन नहीं दिए जाते हैं, दावे भी कर लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है ये भी एक सवाल है। फिर साहब ज्योति जी, आप खुद मीडिया से हैं, ये जब से ये सरकार आई है ये पहली बार नहीं है कि मीडिया को धमकाया गया, अभी सिर्फ एक महीना पहले की बात ही है, पिछले महीने 8 तारीख को डिमोनेटाइजेशन का जिस दिन 1 साल हुआ था, उस दिन 4 चैनल्स में मेरी बात हुई है, चारों की तरफ से यह बात बोली गई कि डिमोनेटाइजेशन के ऊपर स्टोरी नहीं चलानी, प्रद्युम्न मर्डर केस की स्टोरी चलानी है। अब ये देखिए कि अगर मीडिया को भी ब्रीफ सरकार नहीं करना है, सरकार को तो ब्रीफ सारे काम आजकल हाईकोर्ट करती है, तब तक चलता नहीं इनका, शुरू नहीं होता। हरियाणा सरकार तो जब तक हाईकोर्ट से ना कोई टिप्पणी मिले, हाँ, ना कोई फटकार मिले, तब तक नहीं चलती है ना, और मंत्रालय का क्या करती है, हाँ तो तब तक तो इनका काम शुरू भी नहीं होता। अब मीडिया का जो काम है उसके ऊपर सरकार जरूर अपनी वो करेगी, ब्रीफ देगी, लेकिन अपने काम की तरफ कोई ब्रीफ नहीं देगी, ये हमें बहुत बहुत अटपटी बात लगती है। चौकी इंचार्ज पर जो आरोप लगे हैं क्या वहां कोई सेक्शन लग सकता है अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं? देखिए मैडम, बिल्कुल उन पे लगेगा। मैं इसमें एक और बात आपको ऐड करना चाहूंगा, सब हम बैठे हैं बुद्धिजीवी, हमारी पुलिस इतना मतलब निकम्मा तंत्र है, पुलिस जो सच्चे केस है उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, झूठे केस है 1 मिनट में किसी भी इज्जतदार आदमी को बेइज्जती करने में 1 मिनट लगाती है, और जैसे ही अभी हम यहां मीडिया कर्मी को धमकाया गया कोई कार्रवाई नहीं, एक डॉक्टर ने शिकायत कर दी कि जी मेरे हॉस्पिटल को बदनाम किया जा रहा है, तुरंत मीडिया कर्मी को बुलाया जाता है कि तेरे को मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये मामले निकल के सामने आते हैं, क्या कोई सेक्शन लग सकता है चौकी इंचार्ज पे, कोई धारा लग सकती है? मैडम देखिए, जो उसने धमकी की जो बात की है, धमकाने की उस पर धारा लगेंगी, मामला जो मुख्य है वो ये है कि पुलिस और डॉक्टर दोनों की मिलीभगत है। बिल्कुल, डॉक्टर ये मामला आया, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सेवा होती थी, डॉक्टर लोग सेवा करते थे, धंधा बना लिया, इस धंधे में मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो लूट मचा रखी है पूरे प्रदेश में पूरे देश में, उस लूट को बंद होना चाहिए। दवाइयां जो 200 रुपए का पत्ता है वो 1200 रुपए का मिलता है, इतना बड़ा लूट है इस फील्ड में। मैं मांग करूंगा सरकार से भी कि इसमें कोई ऐसी मॉनिटरिंग है, कोई डॉक्टर की फीस वहां निर्धारित हो, दवाइयों की कीमत है प्रॉपर वो होनी चाहिए, मॉनिटरिंग हो पाए, और जो गुंडागर्दी और मनमानी आए दिन सामने आती है उस पर अंकुश लग सके। बिल्कुल, और आप अगर देखेंगे तो सरकार की तरफ से इसे केंद्र सरकार भी और प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरी इस प्रक्रिया को बहुत संज्ञान में लेते हुए जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया थी उसमें सुलझाया, और जो सरकारी अप्रूव्ड अथॉरिटीज हैं सिर्फ उन्हीं एजेंसीज के माध्यम से दवाइयां ली जा रही है, पीएचसी सीएचसी में डॉक्टर काम कर रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के और कहीं भी किसी प्रकार की मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध
हर संभव कार्रवाई की जाए। ये रिक्वेस्ट है आप, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप दवाई खरीद रहे अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी कुछ इलाज होना चाहिए, मन मर्जी की फीस है। केंद्र सरकार के माध्यम से अभी विधेयक लाया जाएगा लोकसभा में। अभी डूसा ने बोला कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, अगर वो कर रहे होते ज्योति जी तो ये हल होता। ज्योति जी डॉक्टर तो था ही नहीं वहाँ पे। ज्योति जी सच्चाई है जी। ज्योति जी आज ये प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों ले जाया जाता है? यदि सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हो बिल्कुल तो मेरे ख्याल से प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जाने की जरूरत हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, कम से कम 700 डॉक्टरों की आज प्रदेश के अंदर जरूरत है, लेकिन उस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। या तो जरूरत ना हो ठीक है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अनूप कुंडू। अभी अभी आपने डीएसपी को भी सुना था, क्या कुछ लगता है, क्या पुलिस वाकई एक्टिव हो सकेगी इस मामले में? उससे पहले मैं एक डुल साहब को सुन रहा था, उसमें भी एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि अगर आप उकलाना के हॉस्पिटल का विजिट करेंगे तो मैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। और यहाँ पर मैं खुद दो बार डॉक्टर का भी वर्जन लेने के लिए गया, कोई डॉक्टर वहाँ पर मेरे को नहीं मिले। एम ओ राजेश है वो मेरे को वहाँ नहीं मिले, और उसके पहले मैं जब वो पुन्नम का वर्जन लेने गया था वो वहाँ नहीं मिली। मतलब उकलाना के अंदर दवाइयाँ नहीं है, यहाँ तक कि एक MLR काटने के लिए भी वो बरवाड़ा या हिसार रेफर करते हैं, यह हालात उसका है। और दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि वो हमारे चैनल ने हमारी आवाज भी उठाई है, पीड़िता की आवाज भी उठाई है, उस पर क्या एक्शन होगा ये सामने आ जाएगा। ठीक है ढोल साहब जवाब दे दीजिए। देखिए कुंडू जी, मैंने फिर आपको स्पष्ट किया कि आपके विरुद्ध जिस इंस्पेक्टर ने आपका अपमान किया है, आपको धमकी दी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। क्या ये आश्वासन देंगे कि हरियाणा की बेटियां इच्छा मृत्यु ना मांगे? बिल्कुल, ये सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि हमारे रहते कोई बेटी इस प्रकार की मांग करती है। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार में कहीं ना कहीं चूक है, और हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी रूप में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आखिरी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी। देखिए ढोल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं यहां पर, थोड़ा जल्दी। पीड़िता ने कहा है कि मैं 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने पेश होना चाहती हूं, तहसीलदार तक को उसने लिख के दिया है। जिस प्रकार से एक पिछली बार मुख्यमंत्री जी को एक खिलाड़ी मिलने के लिए गई थी, और किस प्रकार से मार मार करके पीट पीट करके उसको बाहर निकाला गया था, कभी पीड़िता के साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये आश्वासन आप दे दीजिए ताकि वह अपनी इच्छा से बिल्कुल मिलेंगे। चलिए शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो इच्छा मृत्यु सुनने में एक बड़ा शब्द हो सकता है, लेकिन इसके मायने और इसकी स्थिति, मनोस्थिति उस महिला की जिसने इसकी मांग की है वो बेहद खराब होगी कि की जो जिंदगी है वो मौत से भी बदतर हो गई है। आप सिस्टम से, आप सीएम से, आप राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि मैं जी नहीं सकती, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि आपका सिस्टम मुझे इंसाफ नहीं दे सकता। सवाल ये थे, क्या कमीशन खोरी पर रोक लगेगी? क्या जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी मनमानी पर, उनकी गुंडागर्दी पर जो है रोक लगेगी? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि मामले की पड़ताल की जाएगी, पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी मोदी सरकार ने ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक गरीब की बेटी के साथ में गलत हुआ है, प्लीज इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।